किसी भी मसालेदार सब्जी को बनाने के लिए जरूरत होती है ग्रेवी की। तो झंझट आता है मसालों को कैसे पीसें, कैसे भूनें। तो आइए मैं एक सरल तरीके से आपको बताती हूँ मसाला बनाना। इसके लिए देखिए, हमने लिया है प्याज, टमाटर, लहसुन की कुछ कलियां और अदरक। अब मैं इन्हें मोटे मोटे टुकड़ों में काट लूंगी। मैंने इन सभी को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज को देखिए, टमाटर, लहसुन को काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूं ही छोटा होता है, और अदरक के टुकड़े। अब इन्हें मैं डीप फ्राई करूंगी। तेज गरम तेल में प्याज के कटे हुए टुकड़ों को डाल दिया है और इन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ जब तक कि ये हल्के लाल ना हो जाए। प्याज और अदरक और लहसुन को मैंने अलग अलग फ्राई कर लिया है। अब मैं तलूंगी टमाटर। टमाटर को भी इसी तरीके से तलेंगे जब तक ये मुलायम ना हो जाए। टमाटर को तेल में डालते समय थोड़ी सावधानी रखें क्योंकि मैंने इसमें से ना रस और बीजे नहीं निकाले हैं, जिससे कि ये भय रहता है कि आपके हाथ से छिटे ना पड़े, तो सावधानी जरूरी है। सभी को फ्राई कर लिया है। अब इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, मतलब थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे क्योंकि गर्मा गर्म पीसने से मिक्सी के जार के खराब होने के डर रहता है। तले हुए प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर ठंडे हो गए हैं। अब इसे हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। आप इन मसालों को अलग अलग भी पीस सकते हैं और एक साथ भी पीस सकते हैं। हम इसकी मात्रा बढ़ा लें और तब इनको फ्राई करें और ठंडा करके मसाला पीस के रख सकते हैं, जो कि हमें कई बार की सब्जी के लिए उपयोग में आ सकते हैं। देखिए, दो ही मिनट में ये मसाला पीसकर तैयार है। इसे अब कैसे उपयोग करना है ये भी मैं बताती हूँ। जिसमें भी सब्जी को बनाना है, जैसे मैंने ये कुकर चढ़ाया है ऊपर, इसमें एक चम्मच आप ऑयल का डालेंगे। अब तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे जीरा, धनिया पाउडर दो चम्मच, आधी चम्मच से कम यानी कि चौथाई चम्मच लाल मिर्चा, आधा चम्मच हल्दी और चुटकी भर हींग। अब इसे हम हिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे ये जो पिसा हुआ मसाला जो मैंने अभी आपको तैयार करके दिखाया है उसे। मैं आज बनाने जा रही हूँ फेटू नगेट की सब्जी, उसके लिए मैंने ये मसाला तैयार किया था। आप किसी भी सब्जी यानी कि आलू मटर, बड़ियों की सब्जी, राजमा, काले चने, किसी भी चीज़ में आप इस मसाले को उपयोग कर सकते हैं। इसको हल्का सा हिला लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्मेल आने लगेगी कि मसाला अच्छे से भुना हुआ पहले से ही है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद हम इसे मीडियम आंच पे ले आएंगे और इसको लगातार थोड़ा सा भूनते जाएंगे। मसाला भून के तैयार है। इसमें मैं एक छोटा चम्मच यानी कि आधा चम्मच गरम मसाले का डालूंगी। गरम मसाला हमेशा बाद में ही डाला जाता है जिससे कि इसकी खुशबू उड़ने ना पाए। देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपका ये मसाला कितना बढ़िया भून के तैयार है। आप इसमें देगी मिर्च या जैसी मिर्च खाना चाहते हो उस मिर्च का प्रयोग कर ले तो आप मसाले आपके स्वाद के अनुसार तैयार हो जाएंगे। ये तो है बेसिक मसाला के यानी कि ग्रेवी का बनाने का तरीका। अब जो भी आपको इसमें सब्जी बनानी हो वो इसमें डालिए और उचित मात्रा में पानी डालिए और नमक का उपयोग करना मत भूलिएगा। तो तैयार है झटपट ग्रेवी मसाला। तो आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए। लॉकडाउन पीरियड में मैं आसान से आसान विधियां बच्चों के लिए बता रही हूँ जो लॉकडाउन में इधर उधर फंसे हुए हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सीखते जाइए आसान तरीके सब्जी और अन्य रेसिपी बनाने के।